तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पास में नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि वो लोग सुरक्षा लगाए हुए हैं, पास में जाएंगे तो हम लोगों को काट लेगी मधुमक्खी। आप लोग देख सकते हैं पास में कितना, यहाँ पे आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहे हैं, यहीं पे पालन हुआ है मधुमक्खी पालन। थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे और भी दिखाते हैं। और बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर है, तो पास में नहीं जा सकते, बोले कि काट लेगी मधुमक्खियाँ ना, इसीलिए। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से कहीं और पे। तो फ्रेंड्स यहीं पे मधुमक्खी पालन हो रही है, आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और चारों तरफ में फैल गई है, हमारे गांव के पास में से आ गई है मधुमक्खियाँ। तो देखिए कहाँ से मधुमक्खियाँ, तो यहीं बताया था कि आए हैं यहाँ पे पालन कर रहे हैं मधुमक्खी। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पे कुछ कर रहे हैं, वो लोग सुरक्षा लगाए हुए हैं चेहरे पे, तो हम लोग पास में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो मधुमक्खी जानते हैं कितना खतरनाक होती है। अगर कहीं पर काट लेगी तो वहाँ पर बहुत सारा धिंदौरा जैसा फूल जाता है, इसलिए पास में नहीं जा सकते, दूर से हम लोग करें। और पास में तो और ज़्यादा मधुमक्खियाँ उड़ रही है, वो लोग चेहरे पे कुछ नकाब जैसा पहने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स कितनी मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, कितना अच्छा फ्रेश दिखाई भी दे रहा है। तो अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं थोड़ा पास में हम लोग आ गए हैं, और वो लोग खाना वाना खा रहे होंगे। चलते हैं आगे देखते हैं, इधर भी देख लीजिए सरसों का फसल है, फसल को तो ये लोग बर्बाद ही कर देगी क्योंकि सारा जो फसल का रस होता है वो चूस लेगी। और मौत है, फूलों के रस पे ही तैयार होता है। तो अब शाम हो चुका है, तो चलते हैं आगे अपने घर। यहीं देखने के लिए हम लोग आए थे